नमस्कार दोस्तों, नॉलेज आईक्यू टीवी में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। अपील फाइल्ड बाय लेट एमसी सिंगला एंड अदर अपडेशन ऑफ पेंशन बिफोर एपेक्स कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिविजन बेंच ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट वेयर दे हैव लॉस्ट द केस लिस्टेड टू 5th August 2022। दोस्तों, इसमें जो अपील किया है एमसी सिंगला एंड अदर्स का पेंशन अपडेशन को, इसमें 5th अगस्त के पहले क्या पेंशन अपडेशन हो सकता है, इसके बारे में जो आईबीए का कमिटी है और आईबीए का चेयरमैन है वो लगातार डिले कर रहे हैं इस केस को। आईबीए ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बता दिया है, सर हम लोगों को और बहुत सारे महीना चाहिए पेंशन अपडेशन का जो केस है उस केस को सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो बात बताए थे जनवरी मंथ में, अभी चल रहा है अगस्त, टोटल 7th मंथ हो गया और अभी तक आईबीए ने कोई भी प्रॉब्लम तो छोड़िए उसका जो मेन इशू है वो भी अभी तक सॉल्व नहीं किए। मुझे एक ही बात से मैं बहुत ही गुस्सा फील कर रही हूँ, यूएबीयू के साथ जो मीटिंग चलता है आईबीए का बंद कमरे में, जिस बंद कमरे में चाय, बिस्किट, कॉफी, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच सब कुछ लिया जाते हैं, उस बंद कमरे में बैठ के आईबीए क्या क्या चीज करते हैं, मेरा क्वेश्चन है। और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस दिनेश महेश्वरी जी को मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आईबीए मिस्टर राव जी का रिटायर्ड होने के बाद एक भी कमिटी इंचार्ज और चेयरपर्सन नियुक्त किया है? नहीं किया है। उसके साथ साथ मैं और एक चीज पूछना चाहती हूँ, चीफ जस्टिस हैज टू अपॉइंटमेंट न्यू जज टू द बेंच इन द प्लेस ऑफ रिटायर्ड जज, सो फर्दर प्रोसीडिंग्स ऑन 5th अगस्त 2022 डिपेंड्स ऑन दिस डेवलपमेंट। क्या हम लोग इस केस में एक अच्छे मार्जिन से विन हो सकते हैं? क्या हम इस केस को लॉस नहीं तो लीगल लॉस मान के चल सकता है? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।